मैं इनसे फिर से पूछ लेता हूँ, इन्होंने अभी जवाब हमको दिया है हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से। मेरा इनसे सवाल है कि हिंदुस्तान का संविधान इनके लिए ऊपर या अल्लाह का कुरान इनके लिए ऊपर? सुने आपने सवाल, फिर से रिपीट कर रहा हूं। हिंदुस्तान का संविधान इनके लिए ऊपर या अल्लाह का कुरान इनके लिए ऊपर? यानी एक मुस्लिम से सवाल पूछा जा रहा है, तो इस चीज के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? जी जैद भाई, ये दो चीजों को ना कंपेयर करना ही गलत है आपस में। संविधान इंसान का बनाया हुआ है, कुरान अल्लाह का नाजिल किया हुआ है। संविधान का मौजू शहरियों के हुकूक क्या है ये तय करना है। कुरान हमको इस कायनात की जो हकीकतें हमारे नजरों से ओझल हैं वो हम पर वाजे करता है। कुरान एक डिवाइन कलाम है, एक मुकद्दस कलाम है, अल्लाह ताला ने वो कलाम किया है। और जो दुनिया का दस्तूर है, हिंदुस्तान को किसी भी मुल्क का हो, वो इंसानों ने का कलाम है, इंसानों ने उसको बनाया है। कुरान में कोई अमेंडमेंट नहीं होता है। हिंदुस्तान के दस्तूर में तो खुद हिंदुस्तान को बनाने वाले भी और उसके बाद हिंदुस्तान को चलाने वाले भी अमेंडमेंट करते हैं, उसमें तरमीम करते हैं, पुराने कानून मिटाते हैं, अभी 370 खत्म किया गया, नए कानून लाए जाते हैं। तो जो इस कानून को मानने वाले हैं वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं ना कि ये कानून मुकम्मल नहीं है, इसमें कमी बेशी का, इसमें इजाफे का और इसमें तरमीम करने की गुंजाइश मौजूद है। जबकि कुरान अल्लाह का कलाम है, एक डिवाइन कलाम है, वो सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, वो हमसे आलम गैब की बातें बताती हैं। उसका मौजू ही अलग है हिंदुस्तान के दस्तूर से, का मौजू से अलग। हिंदुस्तान का दस्तूर तो बस शहरियों के हकूक बताता है, वो तो हमको एक इंसान होने की हैसियत से हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, दुनिया में के परे जो हमारी नज़रों से परे, हमारी नज़रों से ओझल जो हकीकतें वो बताती हैं। तो ये तो एकदम इलॉजिकल सवाल है। दो ऐसी चीज़ें जिनके दरमियान कंपेरिजन नहीं है, कोई मुआजना ही नहीं बनता है, उनके बारे में पूछना कि ये आपके लिए ज़्यादा अहम है या वो आपके लिए ज़्यादा अहम है, ये सवाल ही फी नफसी गलत है। ऐसे सवाल दो ऐसी चीज़ों के बारे में किए जाते हैं जो एक जैसे हों। दस्तूर बिल्कुल एक अलग चीज़ है, कुरान बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। कुरान तो एक हसीन सा कलाम है, कायनात के खाली का कलाम है। कोई मुसलमान कैसे ही बोल सकता है कि उस कलाम से ज़्यादा हमको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है वो कलाम, अपने माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ है वो कलाम, हम पर इस कायनात पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत है वो कलाम, इंसानों पर सबसे बड़ा एहसान है वो कलाम, जन्नत का रास्ता दिखाने आए वो आला है वो कलाम। हम तो किसी दस्तूर को क्या दुनिया की किसी किताब को इसके बराबर, मतलब इससे कंपेयर करने का भी हक किसी को नहीं देते। तो ये पूछना कि इससे अहम है कि नहीं अहम है तो बात ही गलत है। किसी हिंदू से भी ये पूछना तुम्हारे लिए गीता ज़्यादा अहम है कि दस्तूर ज़्यादा अहम है, ये इलॉजिकल गैर अखलाकी सवाल है। किसी हिंदू से पूछना तुम्हारे लिए वेदा ज़्यादा अहम है या दस्तूर ज़्यादा अहम है, ये उससे भी गलत है। किसी क्रिश्चियन से पूछना तुम्हारे लिए बाइबल ज़्यादा अहम है कि दस्तूर ज़्यादा अहम है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें ज़्यादा अहम है, ये गलत सवाल है, ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि हम कुरान को अल्लाह का कलाम मान कर उसकी इज्जत करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त देता है इस बात की। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं क्योंकि कुरान हमको कहता है कि तुम अपने वादों की पाबंदी करो। हम कुरान को इसलिए नहीं मानते कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुरान मानने के लिए कहता है। हम यहाँ का दस्तूर इसलिए मानते हैं कि कुरान हमको हुक्म देता है कि तुम अपने किए गए माहदों की पाबंदी करो। हम कुरान को दस्तूर के लिए नहीं मानते, दस्तूर को कुरान के लिए मानते हैं। बहुत बेहतरीन आंसर दिया माशाल्लाह शेख, बहुत बेहतरीन। मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा इसमें इंशाल्लाह। हमारे कुरान और हदीस में ही हमें सिखाया गया, जैसे हदीस आती है सही बुखारी की, अल मुस्लिमूना इंदा शुरूती हैं, मुसलमान अपने शर्तों पे होते हैं, कंडीशंस पे होते हैं। यानी जो शर्तें कंडीशंस मुसलमानों ने माना है वो उनको पूरा करना होगा। तो हमें हमारा कुरान, हमारी हदीस ही हमें बताती है कि वादों को पूरा करो, माहदे को पूरा करो। और कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको अंदर हम चीजों को ऑनर करने हमें सिखाया गया। और आप देखोगे कुरान में सिखाया गया सूरह आराफ सूरह 7 वर्स 68 के, जिसके अंदर हूद अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों से कहते हैं कि वा अना लकुम नासिखुन अमीन, कि मैं तुम्हारे लिए सिंसियर मोतबर एडवाइजर हूं, सिंसियर नासिख, मैं ये नासे वर्ड पे फोकस करना चाहता हूं, ट्रस्टवर्दी। और सेम सूरह के अंदर वर्स 79 पे जाते हैं तो सौले अलैहिस्सलाम एक और अल्लाह के प्रॉफिट नबी, उनके बारे में आता है वा नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बुना नासिहीन, कि मैंने तुम्हारे साथ सिंसियर एडवाइस दी, मैंने तुम्हें सही सिंसियर बात कही लेकिन तुम सिंसियर एडवाइजर्स को पसंद नहीं करते हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया अद्दीनुन नसीहा, रिलीजन नाम ही सिंसियरिटी का है। तो एक मुस्लिम जो है ना अपने लोगों का, अपने पीपल का सबसे सिंसियर वेल विशर होता है। एक यानी ये आइडियल हमें सिखाया गया नासिहुन अमीन, कि सिंसियर वेल विशर, अद्दीनुन नसीहा, और मुआहदे को पूरा करने वाला। और हम सब ये देखते हैं कि एक चीज आपको ऐसी भी तो चाहिए जो इंटरनेशनल तौर पर चीजों को सॉल्व करें, सॉल्व करने वाली चीज भी तो चाहिए। तो जैसे आप देखोगे कि कुरान में 20 जगहों पे आता है या अय्युहन्नास, ए इंसानों।
तो इंटरनेशनल तौर पे भी तो प्रॉब्लम आते हैं। एक एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंटरनेशनल लॉ भी तो होता है, एक इंटरनेशनल लॉ भी तो होता है। तो दोनों की अलग अलग वो है, डोमेन अलग अलग है, उसके अंदर हमको ये नहीं बोल सकता तुम्हें इंटरनेशनल लॉ ज्यादा पसंद है कि इंडिया का, भाई दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो हम देखते हैं कुरान जो है ना वो इंटरनेशनल एक कानून है जो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ, ताकि अभी इंटरनेशनल तौर पर भी इख्तलाफ आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, ताकि जिसके जरिए गाइड किया जा सके इंसानों को, या अय्युहन नास, ए इंसानों, गाइड किया गया सारे इंसानों को। तो उसी चीजों में जैसे हम देखते हैं मिसाल के तौर पे, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, ए ईमान वालो इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, चाहे खुद के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। हाँ, इंसाफ के लिए गवाह बन के खड़े हो जाओ मजबूती से, चाहे खुद के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अपने माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अमीर के खिलाफ या चाहे गरीब के खिलाफ क्यों ना हो। तो इंसाफ का मामला ऐसा हमें बताया गया, सिखाया गया। तो आप देखोगे कुरान अल्लाह की किताब है, इसकी बहुत सारी चीजें हैं, प्रूफ्स हैं। लेकिन आप दुनिया में अगर देखोगे आपको कई चीजें मिलेगी। जैसे मिसाल देता हूं, अब हिटलर है जिसकी वजह से तकरीबन कहा जाता है कि 1,80,00,000 1,85,00,000 लोगों की मौत हुई, या माओ ज़ेडोंग जिसकी वजह से कहते हैं 3 करोड़ से 7 करोड़ के बीच तकरीबन लोग मरे, या ये सब जो आप देखोगे ये सब ऐसे केसेस है जिसके अंदर लोगों ने अपने दस्तूर के आगे कुछ देखा ही नहीं कि भाई ये दस्तूर हमारे लोग वगैरह। तो हम देखते हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए कुछ तो इंटरनेशनल लॉज होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इंटरनेशनल लॉज में कुरान मिलता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सुनन अल कुबरा में ये हदीस सही गैरी मौजूद है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, जरा सुनिए अल्फाज को। उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला बिन जुदान, जो एक जाहिलियत के जमाने में एक एक चैरिटेबल किस्म का इंसान था अब्दुल्ला बिन जुदान, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लकद शहीदतु फी दारी अब्दुल्ला बिन जुदान, कि मैं अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में मैं मौजूद था, हिल्फन एक पैक्ट हुआ था, ट्रीटी हुई थी हिल्फन, मा उहिब्बु अन लिया बी हुम्र नामी, मैं नहीं पसंद करूंगा कि हुम्र नाम, यानी कि अगर हर्ड ऑफ रेड कैमल्स है जो उस वक्त के सबसे प्राइज्ड पोजेशन, यानी कि समझ लो यानी सुर्ख रेडिश टाइप के जो ऊंट होते थे, सबसे भारी किस्म के ऊंट होते थे, उसकी पूरी हर्ड हो अगर मेरे पास, मैं उससे ज्यादा पसंद करूंगा कि मैं ऐसी पैक्ट में मौजूद रहूं। और मुझे अगर बुलाया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्रॉफिटहुड के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी सालों के अंदर, आखिरी वक्त के अंदर ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे ऐसी चीज के लिए, ट्रीटी के लिए अभी भी बुलाया जाए तो मैं अभी भी उस चीज के लिए जाने में मैं उसका यकीनन जवाब दूंगा, ला अजीब तू, मैं यकीनन उस ट्रीटी के बुलावे में मैं जाऊंगा। ये कहा उन्होंने, ये कब की बात है, जमाने जाहिलियत, जब वो प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, नबी और पैगंबर नहीं बने थे, जमाने जाहिलियत में थे, यानी नॉन जो इस्लाम से पहले वाला जो दौर था उस दौर में थे। तो ये ऐसी ट्रीटी हुई थी, वो ट्रीटी में क्या हुआ था आपको ये डिटेल मिलेगी, वो लोगों ने मिलकर ये ट्रीटी बनाया कि कोई भी मजलूम शख्स होगा तो हम उसकी मदद करेंगे, हम लोग सब मिलकर मदद करेंगे, उसके लिए खड़े होंगे, किसी पे जुल्म करने नहीं देंगे, मजलूम का हक वापस दिलाएंगे। तो ऐसी ट्रीटी अगर हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अभी भी मैं ऐसी ट्रीटी में जाके ला जिब तो मैं यकीनन इस ट्रीटी का जवाब दूंगा, मतलब इसमें शरीक रहूंगा मैं। अब हम देखते हैं कि ऐसी एक ट्रीटी है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा गया, जो आप चीजें देखोगे कि भाई इक्वालिटी रहे उसके अंदर, जो बातें हैं जैसे आर्टिकल 14 आप देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन होगा लोगों के लिए, और ये जो सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें जो है अच्छी चीज है। ये एक ऐसी ट्रीटी है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ऐसी ट्रीटी हो और इस्लाम के बाद वो कह रहे हैं तो मैं लाजिब तो मैं यकीनन उसमें जाकर जरूर शरीक रहूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक से हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई चीज हो तो हम लोग भी पसंद करते हैं और होना ही चाहिए, इंसानियत का मामला है। लेकिन मजहब अपनी जगह पर है, क्यों, अकाउंटेबिलिटी यहां पर। देखो क्या होता है ना, आप ऐसे कई लोगों को देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेंगे और करप्शन करेंगे, मजहब की बुनियाद पे झगड़ा लगाएंगे, जिससे वजह से कंट्री का प्रोग्रेस रुकता है, कंट्री डाउनफॉल में आती है, लेकिन वो लोग केयर नहीं करते हैं। मतलब केयर का देशभक्ति का नारा होता है लेकिन पीछे क्या होता है, करप्शन होता है, पीछे कई सारी दूसरी चीजें चलती हैं। तो हम कहते हैं एक मुसलमान जो हो, मुस्लिम हो, जो अल्लाह का डर हो जिसके अंदर, और जो डरता है कि कयामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, मुझे जवाब देना है, तो ये की क्या चीज अहम नहीं, आपको नहीं लगता है नासिह हो नमीन, वो सिंसियरली वो सोचे कि मेरे मालिक के सामने खड़े होना है, क्या आप ऐसे आदमी को वैल्यू नहीं करोगे? आप ऐसे लोगों के बारे में जो सचमुच ईमान वाले हो उनके बारे में ये मिस इन्फॉर्मेशन वाली बातों में क्यों जाते हो? जबकि हमें, हम सबको चाहिए कि हम सब ऐसे लोगों को वैल्यू करें, उनको अपने फेथ पे चलने भी दें, उनके फेथ को फॉलो भी करने दें, और उसके उसी के साथ साथ उस चीज को हम अंडरस्टैंड करें सही बात क्या है, जो सही चीज है हम सब उस बारे में गौर करें। तो ये बातें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ इस टॉपिक पर। उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी थॉट्स को मैं एक्सप्रेस कर पाया, बहुत ही डीप और अहम टॉपिक था ये।